देखो रिटेलर्स जब सबसे ज्यादा अटेंशन होते हैं वो हमारे लिए सबसे ज्यादा एरिया होता है, या तो हम ट्रेडिंग करें या उस एरिया से बचें। और रिटेलर का स्वभाव है ब्रेकआउट ट्रेडिंग करना। जब भी कोई इम्पोर्टेंट लेवल ब्रेकआउट होता है तो पहला जोन आपको छोड़ देना चाहिए, कभी भी उस पर रिएक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहला जोन रिटेलर का होता है, यानी कि उनकी एक्टिविटीज का होता है, उनके साथ जो इमोशन का खिलवाड़ हो रहा था। अगर आप उसके कैंडल्स के स्वभाव को, चीजों को, बॉडी को और पीछे के स्ट्रक्चर को समझते हो तो उसका बेनिफिट आप उठा सकते हो, लेकिन वो चीज आपको छोड़नी जरूर चाहिए। ये आप अपने एक हैबिट बनाओ कि हम उस चीज को छोड़ सकें। ठीक है, अगर हम देखते हैं दोस्तों, यहाँ स्टार्ट हुआ गैप अप के साथ में, गैप को फिल किया गया, फिल करने के बाद में मार्केट ऊपर की साइड चला। इम्पोर्टेंट एरिया कौन सा होता है? ये इम्पोर्टेंट और एरिया होता है, ये अपना पहला जोन है। पहला जोन, जैसे ही पहला जोन बना, इस जोन में हमें कभी भी ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। या बाइंग की साइड हमारा ट्रेंड डायरेक्शन में भी हम ट्रेडिंग करें तो इस जोन को शिफ्ट होने दो, उसके बाद में जो कनेक्टर मिलेगा उसके हिसाब से हम ट्रेडिंग करते हैं, ये हमारा स्वभाव है। अगर आप यहाँ देखोगे तो ये एडवांस ट्रेंड लाइन बना सकते हो, तो जिससे आपका एक बचाव हो जाता है कि ब्रेकआउट हुआ, चलो इसको पार करने दो, इससे बाहर निकलेगा, उसके सस्टेन करेगा, तब हम ट्रेडिंग करेंगे। ये जोन होता है हमेशा रिटेलर्स का ब्रेकआउट एरिया, यानी कि उसके लिए वो ट्रेडिंग एरिया होता है, तो हम इसको कभी भी ट्रेड नहीं करते। अगर आपको समझ में आए और इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म आपको मिले तो आप डाउन साइड के लिए ट्रेड ले सकते हो, स्केल्पिंग बेसिस पे, जिसको आप ट्रेल करके या पेयर ट्रेडिंग करके बेटर बना सकते हो। चलो अभी मैं आपको और उदाहरण देता हूँ। अब ये हाई बन चुका है, ठीक है, नीचे का एक लेवल यहाँ पे मार्केट ने बनाया, अब मार्केट इसके ऊपर जाता है तो ये जो लाइन है, ये लाइन हमारी कैसी होगी कि वापिस एक ब्रेकआउट एरिया दिखाएगी, जहाँ पे रिटेलर वापस से अट्रैक्ट होगा। अब हम आगे चलेंगे, देखो इस एरिया ने मार्केट ने ब्रेक किया, अभी इसने हाई ब्रेक नहीं किया, लो वाला एरिया ब्रेक किया, तो ये एरिया किसके रिएक्शन के लिए होगा? मार्केट यहाँ ठहरा है, नीचे की साइड आ रहा है, स्पेस यूज किया है, ग्रीडी कैंडल है, तो सेलर के लिए, तो सेलर का पहला एरिया हो गया, तो यहाँ पे भी हमें सावधान होना चाहिए, इसको पार करने देना चाहिए, ब्रेकआउट पे नहीं जंप मारना चाहिए। मार्केट यहाँ से उठ गया, और यहाँ से उठने के बाद में जैसे ये ब्रेक किया, ब्रेकआउट फैल गया और मार्केट ऊपर वाले एरिया के आसपास आ गया। ये देखो ऊपर वाले एरिया को टच किया, थोड़ा सा जंप मारा नीचे, वापिस ऊपर गया। अब ये एरिया कैसा हो गया आपके लिए? ये एरिया फिर से आपका पहला जोन बना रहा है, तो इस जोन को हमें ट्रेड नहीं करना, रिटेलर ट्रेड करता है। तो हमेशा आप मतलब ये मान के चलो कि मैक्सिमम नुकसान इन चीज जगहों पे रिटेलर करता है, तो अगर ये चीज भी सीख लोगे तो अपना नुकसान बचा लोगे। ट्रेड करना न करना अलग बात है, लेकिन नुकसान बचाना भी बहुत बड़ी बात है। और अगर समझ के दायरे में है चीजों को, आप सही ले रहे हो, जैसे मान लो कि ये डबल सरफेस में लिया जा सकता एरिया है ऊपर बाइंग की ट्रेड, अपनी कोई स्ट्रेटेजी बने तो ले सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हमें समझ में आती हैं। अब ऊपर चलते हैं, यहाँ से मार्केट वापिस रिवर्स हो गया, ये रिवर्स हुआ, इसी चीज का बेस बनाया, काफी देर रुकता रहा, रुका रहा, रुका रहा, रुका रहा, और ये एक जोन बनाने लग गया। कैसा जोन? ये नीचे की साइड में। फिर अगर ब्रेकआउट आता तो यहाँ पे एसएल भी हंटिंग होती है और सेलर भी अट्रैक्ट होता है। अगर हम देख रहे हैं यहाँ सेलर एक्टिवेट हो रहा है, तो सेलर को एक्टिवेट होने दिया, नहीं होने दिया, ये जोन फिर से हमारे लिए ब्रेकआउट हुआ, क्योंकि 3-4 बार टचेज हो गए। क्या ये सक्सेस हुआ? नहीं हुआ। फिर मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर एक जोन बनाया, जोन बनाने के बाद में जैसे इसमें आया, पूरा जोन बना भी नहीं, ब्रेक किया, यहाँ पे ठहराव ज्यादा था, यहाँ ठहराव कम है और यहाँ ठहराव कम है। अब आगे चल के कहीं ना कहीं मैच्योरिटी आ रही है, ये हमें दिख रहा है कि यहाँ ज्यादा ठहराव कम ठहराव, लेकिन अभी हम चर्चा कर रहे हैं सिर्फ इस जोन से हमें बचना चाहिए ब्रेकआउट में। यहाँ से वापस मार्केट रिवर्स किया, ये जो ट्रेंड लाइन आ थी इसी ट्रेंड लाइन का हिस्सा लिया, नीचे की साइड से कोई ऐसा क्रिएट नहीं किया, लेकिन अब ये पैनिक क्रिएट करने लग गया, ये एरिया यहाँ के ब्रेकआउट के बाद पैनिक क्रिएट करने लग गया। इन एरियाज, इन जगहों के ऊपर हम किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए? तो हमेशा रिटेलर के लिए होता है पहला ब्रेकआउट एरिया, ये रिटेलर के लिए होता है, तो हमेशा आप इसे अपनी साइकोलॉजी में यहाँ पे ट्रेड नहीं करें, इस एरिया को ब्रेक करने दें, दूसरा जोन बनने दें, और पीछे की चीजों को थोड़ा साइकोलॉजी के साथ जोड़ें और एक स्टोरी बनाएं, स्टोरी के साथ आप ट्रेड करें, हमेशा आप सक्सेस होंगे। क्योंकि आप इतना देखो कि आप अगर दिन में 10 ट्रेड करते हो तो सिर्फ मेरा कहना मानो तो इतना समझ लो, क्या ये 10 स्टोरीज हैं? अगर वो 10 स्टोरीज नहीं है तो वो ओवर ट्रेडिंग है, तो प्लीज आप उसको अवॉइड